शिक्षार्थियों, आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं उपेंद्र नाथ तिवारी, सहायक आचार्य शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, आपका स्वागत करता हूं। मैं शिक्षा शास्त्र विषय में चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रिय शिक्षार्थियों, शिक्षा स्नातक विषय के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा के सिद्धांत के चौथे खंड वैश्वीकरण और शिक्षा की 14वीं इकाई राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीयता से तात्पर्य, राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो राष्ट्र के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रहता है तथा अपने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। यह भी कहा जा सकता है कि अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय एकता की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। राष्ट्रीयता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द नेशियो से मानी जाती है। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक भावना भी लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। जो व्यक्ति जिस भूमि पर जन्म लेता है या रहता है, वहाँ की भूमि, भाषा, बोली तथा संस्कृति आदि से स्वाभाविक रूप से उसका गहरा लगाव हो जाता है और संकट की स्थिति में वह मातृभूमि के लिए तन, मन और धन का बलिदान करके भी मातृभूमि की रक्षा करता है। यही भाव राष्ट्रीयता के लिए भी कार्य करती है। हेज के अनुसार राष्ट्रीयता उन व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो या तो एक भाषा या परस्पर मिलती जुलती बोलियां बोलते हैं तथा जिनकी समान ऐतिहासिक परंपरा होती है और इस प्रकार के विशिष्ट संस्कृति की रचना करते हैं। राष्ट्रीयता की परिभाषा देते हुए J.S. ब्रूबेकर ने कहा है कि राष्ट्रीयता साधारण रूप से देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता में स्थान के संबंध के अतिरिक्त प्रजाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के भी संबंध आ जाते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रभक्ति के तत्व राष्ट्रीयता की भावना में निहित है। इन सभी तत्वों का राष्ट्रीयता की भावना निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीयता की आवश्यकता, राष्ट्रीयता से तात्पर्य को जान लेने के उपरांत अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रीयता क्यों आवश्यक है। किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता एक अनिवार्य तत्व है। निम्नलिखित बिंदुओं शीर्षकों के अध्ययन से हम राष्ट्रीयता की आवश्यकता को स्पष्ट कर सकते हैं। देश प्रेम की प्रेरणा के लिए राष्ट्रीयता से लोगों में देश प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। राष्ट्रीयता की भावना देश की रक्षा एवं देश हित में सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। देश प्रेम के कारण ही देश के विकास के लिए वहाँ के लोग निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, चाहे वो तकनीकी हो या आर्थिक हो या अथवा सामरिक हो। राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए राजनीतिक एकता की स्थापना में राष्ट्रीयता की भावना महत्वपूर्ण होती है। एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की जनता, चाहे वह किसी भी जाति और धर्म का क्यों न हो, वह बिना किसी भेदभाव के एकता के सूत्र में बंधे हों। राज्यों के अस्थायित्व के लिए राष्ट्रीयता राज्यों के अस्थायित्व भी प्रदान करती है। यदि हम इतिहास का अवलोकन करें तो देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में ऐसे कई राज्य हैं जिनका निर्माण
राष्ट्रीयता के आधार पर न होकर जाति अथवा भाषा के आधार पर हुआ, उनका अस्तित्व अल्पकालीन रहा। लेकिन जिन राज्यों का निर्माण राष्ट्रीय चेतना के आधार पर हुआ था, वे अधिक अस्थायी सिद्ध हुए। सांस्कृतिक विकास के लिए देश के सांस्कृतिक विकास को राष्ट्रीयता ही प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर ही प्राचीन यूनान के महाकवि होमर, फ्रांस के दांते, इंग्लैंड के टेनिसन, शेले, हामस्पेन तथा जर्मनी के हीगल आदि ने साहित्यिक रचनाओं में अपना योगदान दिया। आत्मसम्मान की भावना के लिए व्यक्ति में राष्ट्रीयता आत्मसम्मान की भावना जागृत करती है और उसे अपने गौरव की रक्षा के लिए प्रेरणा तथा साहस प्रदान करती है। विश्व बंधुत्व की भावना की पोषक राष्ट्रीयता राष्ट्र के लोगों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रोत्साहित करती है। अतः राष्ट्रीयता विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करने में सहायक होती है। आर्थिक विकास में योगदान के लिए राष्ट्रीयता के कारण ही राष्ट्र के आर्थिक विकास को गति मिलती है। व्यक्ति अपने राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में योगदान तभी कर सकता है कि जब वह राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हो। अतः उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र अथवा देश का स्थायित्व, प्रगति तथा उसका विकास उसकी राष्ट्रीयता की भावना पर निर्भर करता है। भारतीय राष्ट्र। भारत विविधताओं का देश है, फिर भी विश्व परिदृश्य में अपने अंदर विविधता में एकता को सजोए हुए एक शक्ति के रूप में भारत की पहचान हो रही है। भारतीय लोगों में भारतीयता की भावना प्राचीन काल से ही दृढ़ थी, लेकिन उस समय आज की तरह सशक्त केंद्र नहीं था। फिर भी भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी। उत्तर भारत का निवासी दक्षिण में रामेश्वरम की यात्रा करता था तथा दक्षिण भारत का निवासी उत्तर भारत में बद्रीनाथ की यात्रा अपनी भारत भूमि समझकर ही करता था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्र की पहचान हमारे धर्म स्थलों से भी होती थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के संपूर्ण क्षेत्र को यहाँ के निवासियों द्वारा भारतवर्ष की संज्ञा प्रदान की गई है। उत्तर में हिमगिरि और अन्य तीन दिशाओं से सागर से प्राकृतिक सीमा बनी हुई है और बीच में भारत एक राष्ट्र के रूप में स्थित है। उत्तर में कश्मीर हो, दक्षिण में कन्याकुमारी हो, पश्चिम का सौराष्ट्र हो या पूर्व में असम हो, संपूर्ण भारत में एक ही प्रकार की संस्कृति और धर्म का दर्शन होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में हमेशा जाना जाता रहा है। भारत की राष्ट्रीयता पर किसी को आपत्ति या संदेह नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति प्रेम। लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव राष्ट्रीयता की भावना से उत्पन्न होती है। देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा का भाव भी राष्ट्रीयता से ही आता है। राष्ट्रीयता का प्रमुख अनिवार्य तत्व प्रेम की भावना है। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जागृत किया जा सकता है।
शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हो सके और वह अपने तुच्छ स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र के विकास में अपने को समर्पित करने हेतु प्रेरित हो सके। देश प्रेम की भावना भारतीयों में प्राचीन काल से ही थी, किंतु यह भावना मध्यकाल में सुषुप्तावस्था में थी। यह भावना ब्रिटिश काल में दिखाई देने लगी। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन अथवा अन्य महापुरुषों द्वारा चलाए गए आंदोलनों से इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। यहाँ पर यह बात भी समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीयता के प्रत्यय से देशभक्ति का प्रत्यय पुराना है। देशभक्ति से आशय है देश के प्रति प्रगाढ़ प्रेम। यदि व्यक्ति का हृदय देशभक्ति की आग से भड़क नहीं उठता, उसको सदा निंदनीय कहा गया है। राष्ट्रीयता का विचार बाद में आया। राष्ट्रीयता में राष्ट्र के प्रति प्रेम के साथ ही भाषा, संस्कृति, परंपरा तथा इतिहास आदि सम्मिलित रहता है। राष्ट्रीयता एक व्यापक शब्द है, फिर भी दोनों का लक्ष्य एक ही है। साहित्य और राष्ट्रीय एकता। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता और साहित्य का आपस में बहुत गहरा संबंध रहा है। साहित्यकारों ने अपनी साहित्यिक योग्यता के माध्यम से समय समय पर राष्ट्रीय एकता के निर्माण एवं प्रोत्साहन में अपनी अहम भूमिका अदा की है। प्राचीन काल से ही विद्वानों ने राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझा है। विद्वानों ने अपनी कृतियों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचारों की अभिव्यक्ति की है। वैदिक ग्रंथों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के प्रदेश को एक मानकर राष्ट्रीय एकता के महत्व को स्वीकार किया है। बौद्ध और जैन धर्म के संदेशों से भी इस प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं। मोहम्मद साहब ने हर एक व्यक्ति को अल्लाह का नूर बताया और सभी को भाईचारे की डोर में बांधकर साथ साथ चलने का संदेश दिया। गुरु नानक देव की वाणी हम सभी के प्राणों की संजीवनी है। एकता के महत्व को समझते हुए महान मुगल सम्राट अकबर ने सभी धर्मों के मूल संदेशों का अपने मंथन के पश्चात एक अलग धर्म की स्थापना की, जिसमें सभी जातियां एक थी तथा सभी धर्म समान थे। हमने अलगाव तथा भेदभाव करना नहीं सीखा। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित कवि तुलसीदास, कबीरदास, मूलकदास तथा रविदास आदि ने अपनी वचनामृत से तत्कालीन समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। तुलसीदास जी समन्वयवादी विचारधारा के कवि थे। इनके महान काव्य में ऊंच नीच तथा छोटे बड़े की भावना के लिए कोई स्थान नहीं था। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। संत मूलक दास ने लोगों के बीच प्रेम को आवश्यक माना। उनके अनुसार यदि व्यक्ति या समाज में प्रेम नहीं है तो चाहे जितनी धार्मिक यात्राएं कर ले उसका कोई लाभ नहीं है।
सब बेकार है। मक्का मदीना द्वारका बद्री और केदार, बिना प्रेम सब झूठ है, कहे मलूक विचार। आधुनिक कविता की प्रमुख प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता की भावना थी, जो समाज की इच्छा तथा तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप होती थी। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज सुधार, भारतीय संस्कृति के गौरव तथा देश को अपनी कविता में स्थान दिया। उन्होंने देशवासियों में आशा का संचार करते हुए लिखा है, जिसे न निज भाषा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु के समान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने कृति भारतवर्षोन्नति कैसे हो नामक निबंध में भारतीयों को अपनी एकता तथा गौरव को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार और लेखक मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने हृदय की संपूर्ण अभिव्यंजना अभिव्यक्त कर दी है। छायावादी कवि जैसे प्रसाद, पंत और निराला की रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से भरा पड़ा है। उदाहरण स्वरूप जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियां उल्लेखित है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रगतिवादी साहित्य में भी छायावादी रचनाओं की तरह ही राष्ट्रीयता की भावना से संबंधित रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इस काल के प्रमुख रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, सोहनलाल द्विवेदी तथा दिनकर आदि हैं। इस काल के रचनाकारों ने विषमता और विक्षोभ को अपनी रचना का प्रमुख विषय बनाया। बालकृष्ण शर्मा समाज का नवनिर्माण क्रांति के द्वारा करने हेतु अनुभव करते हुए लिखते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा इकबाल आदि की रचनाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना दिखाई देती है। हमारे पूर्वजों ने राष्ट्रीय एकता के मूल्य को समझा है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अर्थात सभी कालों में साहित्यकारों के ऐतिहासिक रचनाओं से किसी न किसी रूप में समाज में एकता लाने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई है। आज़ादी के बाद भी साहित्य राष्ट्रीय एकता का प्रमुख विषय रहा है। भारत में राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधाएं। जे.एस. रोच के अनुसार राष्ट्रीयता हृदयों की वह एकता है जो एक बार बनने के बाद कभी खंडित नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं कि उन परिस्थितियों के सामने इंसान को अपने सोच में परिवर्तन करना पड़ता है, जिस कारण राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती, जो इस प्रकार है।
प्रादेशिक या क्षेत्रीयता की भावना, अन्य प्रदेशों की अपेक्षा केवल अपने प्रदेश को ही महत्व देना प्रादेशिकता की भावना कहलाती है। भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक राज्य हैं। व्यक्ति जिस स्थान पर या जिस प्रदेश में जन्म लेता है उसी स्थान पर पला बड़ा हुआ और रह रहा है, उस स्थान से उसका गहरा लगाव होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों की सोच दूसरे प्रदेशों के लिए संकुचित हो जाती है। उनकी समझ के अनुसार उनका प्रदेश सबसे अच्छा है, बाकी प्रदेश निकृष्ट हैं। प्रादेशिक सरकारें भी अपनी संस्कृति का गुणगान करती हैं और दूसरे प्रदेश के संस्कृति को खराब, यहाँ तक कि एक प्रदेश का निवासी अपने यहाँ बसे दूसरे प्रदेश के निवासी को अपने यहाँ से निकालने तक का प्रयास करते देखने को मिलते हैं। प्रादेशिकता की यही भावना राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचाती है। सांप्रदायिकता, भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा पारसी आदि। हम जिस संप्रदाय में आस्था रखते हैं उसे ही अच्छा समझने लगते हैं, अन्य सभी संप्रदायों को हे या निकृष्ट समझने लगते हैं तथा पक्षपात भी करने का प्रयास करते हैं। राजनैतिक चुनावों में सांप्रदायिकता का बोलबाला रहता है, सांप्रदायिक दंगे भी कभी कभी हो जाते हैं। इसी कारण सांप्रदायिकता भी राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक तत्व है। जातीयता, भारत में अनेक जातियां हैं। जातिवाद भारतीय समाज को पीड़ित करता रहता है। भारतीय राजनीति जातिवाद से ग्रसित है। छोटे से बड़े पदों पर तक नियुक्ति, पदोन्नति आदि में अपनी जाति का विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार जाति के रहते देशभक्ति निश्चित रूप से प्रभावित होती है। भाषावाद, भारत अनेक भाषाओं का देश है। सभी प्रदेशों में अपनी अपनी मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा बोली जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक राष्ट्रभाषा का नहीं होना। यह एक बड़ी समस्या है, इससे राष्ट्रीयता के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। भारतीय संस्कृति के प्रति उदासीनता, स्वतंत्रता के पश्चात भी पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रति आकर्षण बना हुआ है। अपनी संस्कृति को भूलकर भारतीय जनता पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रही है। पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित लोगों का भारतीय संस्कृति से लगाव कम हो रहा है। आर्थिक असमानता, भारत एक बृहद जनसंख्या वाला देश है, इस कारण यहाँ पर आर्थिक असमानता भी बहुत है। आज भी बहुत सी जनता एक वक्त का भोजन कर पाती है। एक वर्ग ऐसा भी है जो बहुत संपन्न है, दूसरा एक वर्ग ऐसा भी है जो अत्यंत निर्धन है। इस आर्थिक असमानता से
वर्ग संघर्ष होने की आशंका बनी रहती है। आज भी समान कार्य के लिए समान वेतन भुगतान नहीं हो पाता है, इसमें भी असंतोष की भावना जागृत होती है। सरकार की दोषपूर्ण नीति। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत सरकार की कोई ऐसी भाषा नीति नहीं बन पा रही है जिससे हिंदी राष्ट्रभाषा बन सके। अभी भी अंग्रेजी शिक्षा पर हावी है। दक्षिण भारत के राज्य हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। मजबूत भाषा नीति नहीं होने से भारतीय एकता की भावना में बाधा पहुंचती है। अज्ञानता और अशिक्षा। राष्ट्रीयता के निर्माण में अज्ञानता और अशिक्षा प्रमुख बाधक तत्व हैं। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति संकीर्ण विचारधारा का हो जाता है। वह व्यक्तिगत हित के लिए ही कार्य करता है, राष्ट्रीय हित से उसका कोई लगाव नहीं होता। राष्ट्रीयता के मार्ग के बाधाओं को दूर करने के उपाय। गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के अनुसार किसी भी समस्या का कोई न कोई कारण होता है। इन कारणों का निस्तारण कर देने से समस्या स्वतः समाप्त हो जाती है। राष्ट्रीयता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के निम्न उपाय बताए गए हैं। संकुचित भावनाओं को दूर कर देश प्रेम की भावना का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा का समुचित प्रबंधन होना चाहिए और शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। देश के सभी क्षेत्रों में परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास किया जाना चाहिए। संपूर्ण देश में साहित्यिक सांस्कृतिक एवं भावनात्मक संपर्क बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, संपूर्ण देश में संतुलित आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। आर्थिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, संकीर्ण विचारों हितों तथा स्वार्थपूर्ण मनोवृत्तियों पर आधारित राजनीति पर रोक लगनी चाहिए। सुदृढ़ तथा न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। बिना भेदभाव के सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त उपायों को अपनाकर राष्ट्रीयता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। शैक्षिक कार्यक्रम। सांप्रदायिकता, जातिवाद, निरक्षरता, आर्थिक असमानता आदि राष्ट्रीय एकता की बाधाएं हैं। इन बाधाओं को समाप्त किया जाना चाहिए और शिक्षा ही इन बाधाओं को दूर करने का सबसे सशक्त साधन है। राष्ट्रीय एकता के प्राप्ति के लिए शैक्षिक कार्यक्रम पर हमें विचार करना चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रम पर भावनात्मक एकता समिति और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। भावात्मक एकता समिति के सुझाव। पाठ्यक्रम में
अभिरुचि, रुझानों तथा भावों का इस रूप में विकास किया जाए कि बालक भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को भली भांति समझ सके। नेक्स्ट, इतिहास को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाए। नेक्स्ट, इतिहास को पढ़ाने के लिए सुयोग्य शिक्षकों का चयन किया जाए। इतिहास के पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति के इतिहास को अवश्य स्थान दिया जाए। नेक्स्ट, राष्ट्रीयता के स्वरूप को साकार करने के लिए उपरोक्त सुझावों के अनुसार व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के सुझाव। राष्ट्र के ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक तत्वों से छात्रों को परिचित कराया जाए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता से संबंधित नाटकों, चलचित्रों तथा अध्ययन गोष्ठियों की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट, सभी जातियों, वर्गों तथा प्रांतों के लोगों के साथ संपर्क बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित सामग्री का समावेश हो। नेक्स्ट, बिना भेदभाव के योग्यता तथा अखिल भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर प्रशासनिक पदों पर चयन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक कार्यक्रम। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक कार्यक्रम इस प्रकार है। का प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में लोकगीतों तथा कहानियों का प्रमुखता से समावेश होना चाहिए। राष्ट्रीय त्यौहार विद्यालय में सामूहिक रूप से मनाया जाए। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय चिन्ह आदि से छात्रों को परिचित कराया जाए। भारत के विभिन्न प्रांतों से संबंधित कहानियाँ हों। खा, माध्यमिक स्तर पर भारत की सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाए। पाठ्यक्रम में विभिन्न छात्रों की संस्कृतियों, भाषा, साहित्य तथा धर्म आदि के तुलनात्मक अध्ययन को स्थान प्रदान किया जाए। ग, विश्वविद्यालय स्तर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, साहित्य, संस्कृति से छात्रों को अवगत कराया जाए। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से छात्रों का संपर्क कराया जाए। युवक दिवस का आयोजन किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों, भाषा, साहित्य, धर्म आदि के तुलनात्मक अध्ययन को इस स्तर से पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। विचार गोष्ठियों तथा सेमिनार आदि का आयोजन किया जाए तथा इसमें अन्य क्षेत्रों के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का आदान प्रदान हो। शिक्षा और सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो छात्रों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम व भक्ति के भाव को जागृत कर सके। भारतीय राष्ट्र का अर्थ भारतीय सभ्यता, इसे रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा वेशभूषा आदि भारतीय संस्कृति तथा भारतीय परंपराओं के प्रति श्रद्धा भक्ति के भाव
उत्पन्न करना तथा इन सबके साथ अपनत्व का नाता जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में भगिनी निवेदिता ने अपना विचार व्यक्त किया है। राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा जिसका संबंध अपने परिवार तथा देश के साथ हो और जो घनिष्ठ रूप से अपने स्व पर आधारित हो। राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें अपनी शिक्षा में पश्चिम की नकल करने की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। हमें अपनी शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त करना है और पश्चिम को यह बता देना चाहिए कि विश्व को देने के लिए भारतवर्ष के पास बहुत कुछ है। कोठारी आयोग ने शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को स्वीकार किया है। किसी देश अथवा राष्ट्र की एकता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों पर आधारित होती है। ये सभी तत्व एक दूसरे से आबद्ध रहते हैं। एकता को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के भविष्य पर भरोसा करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में अवसरों की समानता का विकास करना पड़ता है। सामान्य विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली भारतीय एकता की प्राप्ति में लाभदायक सिद्ध होगी। सभी को एक जैसी शिक्षा मिले, शिक्षा छात्रों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने वाली तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। सारांश: राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करती है, जिसमें व्यक्ति ऊंच नीच आदि से ऊपर उठकर सभी को एक समझने लगता है। राष्ट्रीयता मनुष्यों की आध्यात्मिक भावना होती है। इसकी उत्पत्ति ऐसे लोगों में होती है जो साधारणतः एक जाति के लोग एक भूखंड पर रहते हैं और उनकी एक भाषा, एक धर्म, एक इतिहास, एक परंपरा तथा एक से हित होते हैं। राष्ट्रीयता किसी भी देश के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीयता देश प्रेम की प्रेरणा उत्पन्न करती है, अस्थायित्व आता है और राजनीतिक एकता को बल मिलता है। व्यक्ति में राष्ट्रीयता से आत्मसम्मान तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। कतिपय विद्वान भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते। इनका मानना है कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, किंतु यह मत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्र का विचार प्राचीन काल में भी विद्यमान था, किंतु आज की भांति उस समय एक सशक्त केंद्र नहीं था। राष्ट्र के प्रति प्रेम राष्ट्रीयता का सबसे प्रमुख तत्व है।
राष्ट्र प्रेम का अर्थ है। किसी राष्ट्र के निवासियों में अपने राष्ट्र की परंपराओं, सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति के भाव जागृत करना। राष्ट्रीय एकता के साहित्य ने सदा प्रश्रय प्रदान किया है। कुछ कारणों जैसे जातीयता, भाषा, सांप्रदायिकता आदि के कारण राष्ट्रीयता की भावना के विकास में बाधा पहुंचती है। इनका निवारण कर राष्ट्रीयता के मार्ग की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। शिक्षा राष्ट्रीयता के विकास में अहम भूमिका निभाती है। अतः विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के कार्यक्रम को निर्धारित करना चाहिए, जिससे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। धन्यवाद।